Swayam Prabha, Digital India, Educated India. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने फाउंडेशन्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का जो हम कोर्स अध्ययन कर रहे हैं उसका तीसरा लेक्चर मैं लेकर आपके सामने अभी उपस्थित हूँ और ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव व्यवहार के क्या क्या आधार हैं मनोवैज्ञानिक आधार हम उनको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज के अपने इस सत्र में इसमें पहला होगा हम बात करेंगे जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस की यानी कि जो जीन्स हैं उनका किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है हमारे मनोवैज्ञानिक व्यवहार को वो किस तरह से प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ हम इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा जैविक आधार है बायोलॉजिकल बेसिस है उससे हमारा मानव व्यवहार किस प्रकार से प्रभावित होता है किस तरह से शेप होता है और तीसरा जो कि एक और महत्वपूर्ण आधार है हमारे व्यवहार का वो है सामाजिक और सांस्कृतिक आधार जिसमें कि हम ये देखेंगे हम ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो समाज है जो संस्कृति है उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है और उस तरह से वो हमारे व्यवहार को शेप करते हैं तो इन सभी बिंदुओं पे आज हम प्रकाश डालेंगे और इस पर चर्चा करेंगे अपने इस सत्र में तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर जो कि हमारा टॉपिक है जीन्स और व्यवहार के संबंध में जिसमें हम चर्चा करेंगे और जाहिर सी बात है कि मनुष्यों में बहुत सारे जो गुण हैं जो हमारे अंदर होते हैं चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस की बात की जाए बुद्धि की बात की जाए या चाहे हमारी पर्सनैलिटी की बात की जाए या हमारे रंग रूप की बात की जाए जिस भी प्रकार से आप बोलेंगे वो सभी कहीं ना कहीं उसमें जीन्स का योगदान है मगर कुछ ऐसी भी हमारी क्वालिटीज़ हैं जो हमें जेनेटिकली मिली हुई हैं जिसके लिए हम जेनेटिकली प्रिपेयर्ड हैं यानी कि उसको कहा जाए कि हमारे अंदर वो गुण जन्मजात हैं जैसे भाषा की जो हमारे अंदर जो एक काबिलियत है एक बहुत बड़ा जो हमें फ़र्क भी हमारे अंदर और जो बाकी जानवरों को मनुष्य से अलग करती है जो लैंग्वेज की जो हमारे पास जो काबिलियत है जो एबिलिटी है वो भी हमारे जीन्स की ही बदौलत हमें मिलती है तो या ये इस तरह से हमारे जो जीन्स हैं वो हमारे बहुत सारे गुणों को हम किस प्रकार से दूसरे मनुष्यों के साथ इंटरेक्ट करेंगे हम अपनी जो खुद की जो रक्षा करते हैं जो अपना हम देखभाल करते हैं उन सभी के लिए कहीं ना कहीं हम जेनेटिकली प्रेरित हैं और इसी प्रकार से जैसे नन्हे बालकों में नन्हे शिशुओं में उनके अंदर रिफ्लेक्सेस बाय बर्थ होते हैं जन्म के साथ ही होते हैं जिससे वो अपना बचाव भी कर पाते हैं और अपने जो जीवन के लिए जो ज़रूरी है जो सर्वाइवल के लिए उनके चाहे वो फूड का इंटेक हो या चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो चाहे वो अपने आप को फ्री फॉल से बचाना हो या किसी अपने साथी मनुष्य के टच को महसूस करना हो या उसके प्रभाव को एहसास को महसूस करना हो इस तरह की तमाम जो हमारी काबिलियत हैं वो कहीं ना कहीं हमारा उनका जो आधार है वो हमें अपने जेनेटिक्स से मिलता है इनहेरिटेंस से मिलता है और इसीलिए जो हमारे जन्म जो गुण हैं बहुत सारे जो हमारे मानवीय गुण हैं वो हमारे जन्मजात होते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एवोल्यूशन की प्रक्रिया की एवोलूशन की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है और जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे सामने एक बड़ा नाम आता है और वो है चार्ल्स डार्विन का तो डार्विन ने अपने शोध में जो शुरुआती शोध उन्होंने किया हालांकि वो एक प्रोफेशन से वो एक मेडिकल जो प्रोफेशनल थे और उनका जो रिसर्च था जो शोध था वो इसी क्षेत्र में था परंतु उसके साथ साथ उन्हें घूमना बहुत पसंद था और वो चाहते थे कि वो शोध कार्यों के लिए जितना हो सके वो घूमें तो अपने शुरुआती जो उन्होंने कार्य शुरू किया तो उस दौरान उनको एक मौका मिला कि वो आ, समुद्र के किनारे जो है वो साउथ अमेरिकन कोस्ट के किनारे उनको घूमने का मौका मिला एक जहाज़ में और जिस पर कि वो कुछ समय तक रहे और उन्होंने बहुत सारे अपने अनुभव उनको उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास भी किया जहाँ पर जो उनको सबसे बड़ा कौतूहल लगा वो ये था कि किस प्रकार से विभिन्न विभिन्न विभिन प्रजातियाँ जो हैं चाहे वो जानवरों की हों या चाहे इंसानों की हों किस प्रकार से वो अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले रही हैं और किस प्रकार से उनके अंदर जो बदलाव हैं जो उनके अंदर विभिन्नताएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके जोग्राफिकल टेरिटरी यानी कि जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वहाँ के अनुसार वो ढलते जा रहे हैं चाहे वो फूल पौधे हों चाहे वो जानवर हों जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि एक जिराफ जिसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है तो उसका एवोल्यूशन में कारण ये बताया गया चूँकि जिराफ एक शाकाहारी जो जानवर होता है उसको अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है उसके लिए उसको पेड़ के पत्तों को खाने की आवश्यकता होती है जिस कारण से उसकी गर्दन समय के साथ एवोल्यूशन की प्रक्रिया के तहत लंबी होती गई तो इस प्रकार के एक्सप्लेनेशंस जो थे वो डार्विन ने अपने सिद्धांत में और जो किताब उन्होंने पब्लिश की थी उस समय जो जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो कि उन्होंने पब्लिश की थी तो डार्विन ने अपनी इस पुस्तक में ये किताब जो उन्होंने लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उन्होंने इसमें एडेप्टिव बिहेवियर की बात की और एडेप्टिव बिहेवियर से यहाँ तात्पर्य उनका यह था कि हम जितनी भी प्रजातियाँ हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं वो सभी चाहे वो मनुष्य हों या चाहे जानवर हों वो सभी एक समय का एक लंबे समय का एक बहुत लंबे समय तक वो इवॉल्व हुई हैं और समय के साथ साथ जो जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ थी जो उनके सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण थी जो उनके आगे बढ़ने में उनके जीन्स को ट्रांसफर करने में जो महत्वपूर्ण थी उनको हम एडॉप्ट करते गए और वो व्यवहार या वो आदतें या उस तरह के जीन्स जो कि हमारे आ, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं थी या हमारी कहीं ना कहीं हमें वो एक कमज़ोर बना रही थी जिससे हमारे आगे आने वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो भी कमज़ोर हो रहे थे तो इस प्रकार से उन्होंने इसकी बात की कि वीडिंग आउट की जो प्रक्रिया है यानी कि हम जो भी हमारे ऐसे व्यवहार हैं या जो ऐसे गुण हैं या जो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि समय के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाई वो इसी कारण से और इसी तरह से उन्होंने जो डाइनासोर्स का एक्सटिंक्शन की जो बात की उसको भी डार्विन कहीं ना कहीं अपने इसी सिद्धांत से समझाने का प्रयास करते हैं तो इस तरह से डार्विन ने ये बताया कि हमारे जितने भी ऐसे व्यवहार हैं जो कि हमारे समय के साथ हम उसको हमारे सर्वाइवल के लिए पर्यावरण के साथ हम अडोप्ट करते हैं खुद को अपना एक संयोजन बिठाते हैं और उसके अनुसार हम अपने आप को ढालते रहते हैं हालांकि डार्विन ने जो ये प्रक्रिया एवोल्यूशन की जो समझाई जो बताई उसके अनुसार ये जो एवोल्यूशन की प्रक्रिया है ये कोई रातों रात या बहुत कम समय में होने वाली प्रक्रिया नहीं है ये मनुष्य जैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म के लिए एक जीव के लिए ये बहुत लंबे समय में यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मिलियंस ऑफ द ईयर्स में होने वाली एक घटना है जो चेंजेस हमारे अंदर होते हैं वो तात्कालिक नहीं होते हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यही बदलाव बहुत तात्कालिक होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं लेकिन मनुष्यों में ये बदलाव बड़े लंबे समय के एक बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि एवोल्यूशनरी परिपेक्ष का जो दृष्टिकोण है वो मानव व्यवहार को समझने में हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में किस प्रकार से सहायक होता है हमारे मनोविज्ञानिक परिदृश्य में एक टर्म है दैट इज़ फोबिया यानी कि हमें अत्यधिक भय होता है कुछ चीज़ों का तो अगर हम इसको एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी बहुत लंबे समय तक ऐसे जब उनके पास ये हम अगर माने कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था शेल्टर नहीं था उनके पास सुरक्षा के उतने साधन नहीं थे तो उस समय उनको अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुद को बचाए रखने के लिए जैसे डार्क में यानी अंधेरे के समय में वो बाहर निकलना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था तो इस वजह से उन्होंने अपने एवोल्यूशनरी प्रोसेस में उस समय को जो डार्क का टाइम था यानी अंधेरे का समय था उसमें उन्होंने सोना प्रिफर किया यानी स्लीप नींद को लेना प्रेफर किया जो कि आज एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव में हमें ये समझने का समझने में मदद करता है कि किस तरह से हम अपना एक तिहाई जीवन का हिस्सा नींद में बिता देते हैं यानी सोते हुए बिता देते हैं तो ये उसमें उसके कुछ प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है जो हमें समझने में इसकी मदद करता है इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ जैसे हमारे अंदर मनुष्यों के अंदर टेस्ट को लेकर के एक चॉइस है हम कड़वे टेस्ट को प्रेफर नहीं करते तो कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में भी इसका एक एक समझाने का इसको प्रयास किया गया है कि जैसे मनुष्यों के अंदर ये पहले से टेंडेंसी चली आ रही है जब हम बहुत पहले जंगलों में अगर यदि रहते होंगे तो उस प्रकार से हमें कोई भी जो फल मिले या ऐसे कोई जंगली पौधे मिले जो खाने में जिनका स्वाद कड़वा है तो उसका एक सिग्नल ये भी होता था उसका एक आशा ये भी हो सकता था कि वो जहरीले हों तो इस तरह से मनुष्य ने उस तरह के कड़वे स्वाद वाले फल या उस तरह के पेड़ या पौधों को उनका स्वाद लेने के बाद उनको बाहर कर दिया उनको थूक दिया और इस तरह से उनको सर्वाइवल में मदद मिली क्योंकि वो इस तरह के जहरीले पदार्थ को अवॉइड करते थे उस समय तो कड़वापन कहीं ना कहीं हमारे एवोल्यूशन के साथ जुड़ता गया इस प्रक्रिया में और वो आज हमारे अंदर वो स्वतः एक टेस्ट की पसंद के तौर पे हमें पता चलता है तो ये इस तरह से बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ हैं उनको हम कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इस दृष्टिकोण से हम उसको समझा सकते हैं या उसकी तरफ एक अपनी समझ विकसित कर सकते हैं इसके बाद जो अगला हम लोग बातचीत करेंगे वो है हमारे जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के ऊपर तो जेनेटिक्स जो हमें हम इनहेरिट करते हैं अपने फादर मदर से यानी कि अपने पेरेंट्स से उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी चर्चा करेंगे जिससे हमें उसकी एक समझ मिल सके हमारे अंदर सभी के अंदर अपने माता पिता से आधे जीन्स हमें अपने पिता से मिलते हैं और आधे जीन्स हमें अपनी माता से मिलते हैं सभी सभी मनुष्यों के लिए या सभी जानवरों के लिए ये एक समान है और हम दोनों से अपने जीन्स को इनहेरिट करते हैं यानी उनसे हम उनको लेते हैं और इन जीन्स को जो हम लेते हैं और यही हमारे जीन्स हमारे डेवलपमेंट के ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं यानी ये हमारे लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि किस प्रकार से हम आगे विकसित होंगे हमारे हाथ पैर हमारा शरीर हमारी शरीर की जितनी भी जो एक संरचना है वो ठीक उसी जीन्स के जो उसमें ब्लू है जो पहले से उसमें कोडेड है उसी के अनुसार हमारा विकास होता है और ये जो हमारा यूनिक जीनोटाइप है जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है उनके 50 50 परसेंट जीन्स से मिलकर बनता है वो हमारा यूनिक जीनोटाइप कहलाता है जिससे कि हम अपने तरह के एक इकलौते यानी यूनिक पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल बनकर के इस संसार में मौजूद हैं और यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि लगभग सभी मनुष्यों के निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत जीन्स लगभग एक जैसे होते हैं उसके बावजूद वो जो दशमलव शून्य एक का जो अंतर है वो हमारे अंदर इतनी विविधताएं लाता है इतने प्रकार से वो प्रकट होता है कि हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी दो मनुष्य हमें एक जैसे एक समान प्रतीत नहीं होते इसके बाद जो हमारे जेनेटिक्स में जो जेनोटाइप हमें जो मिलता है जो हम ग्रहण करते हैं उस जेनोटाइप का जो स्ट्रक्चर जो सामने हमें दिखता है या जो प्रकट होता है उसको कहा जाता है फेनोटाइप और फेनोटाइप हमारे जिसको कि हम देख सकते हैं ऑब्जर्वेबल हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक जो गुण है हमारे मनोवैज्ञानिक गुण हैं और शारीरिक गुण हैं उनके अंदर जो उसका प्रकटीकरण है हमारे जीनोटाइप का उसको हम फिनोटाइप कहते हैं और इस प्रकार से हमारा चाहे वो हमारी हाइट हो या चाहे हमारे आ, कलर हो या चाहे हमारा आ, हमारी बुद्धि हो या चाहे जिस भी प्रकार से वो प्रकट होती है वो सभी उसका फिनोटाइप कहलाता है और यहाँ पर एक समझने वाली बात ये होगी कि फिनोटाइप जो है वहाँ पर हम बायोलॉजी का तो वहाँ पर प्रभाव है ही यानी हमारे जेनेटिक्स का उसमें एक बहुत बड़ा रोल तो है ही साथ ही साथ उसमें हमारे एनवायरमेंट का यानी पर्यावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जेनेटिक्स ये ज़रूर निर्धारित करते हैं कि एक मनुष्य किस प्रकार से विकसित होगा किस तरह से उसकी आगे उसकी रूपरेखा होगी या उसका रंग हो या उसकी हाइट हो या चाहे उसका उसकी जो भी उसके अंदर काबिलियत होंगी वो ज़रूर हमारे बहुत हद तक जेनेटिक्स से हमारे गवर्न होते हैं यानी कि उससे प्रभावित होते हैं मगर साथ ही साथ पर्यावरण का भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि अगर इसको हम समझने के लिए देखें तो केवल इसका एक छोटा सा उदाहरण इसको समझाने के लिए पर्याप्त होगा कि जो हमारे शुरुआती समय जब हम गर्भ में होता है शिशु उस वक्त यदि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कोई भी उसको अगर एक डिस्टर्बेंस मिलता है सपोज एक उसकी मदर को किसी भी तरह का एक टॉक्सिक पदार्थ ही अगर गलती से सेवन हो जाए या किसी प्रकार से कोई ऐसी जहरीली वस्तु से उनका सामना हो जाए तो उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है और उसकी जो आगे आने वाली जो उसकी जो जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी चाहे वो फिजिकल हों या साइकोलॉजिकल हों उन सभी पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है यानी कि हमारी जो एक जो हमारा फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उन दोनों पर ही हमारे जेनेटिक्स का और हमारे एनवायरमेंट का दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है और दोनों का एक इंटरेक्शन के साथ हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है या जो हमारा एक इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है वो उस उसके अंदर इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें तो उनका भी एक जेनेटिक आधार है जो कि हमने अभी पीछे भी चर्चा किया था कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में हम किस तरह से मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं तो उसी प्रकार से जो हमारे जेनेटिक्स हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को निर्धारण करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है जिसमें से कि हम बात कर सकते हैं हमारी जो लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी है जो हम भाषा ग्रहण करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे जेनेटिक्स का होता है और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं यानी कि हमारे जीन्स में वो इनबिल्ट क्वालिटी है जिससे हम भाषा को ग्रहण कर सकते हैं और ये हमारे मनुष्यों को जानवरों से अलग करने में जो अलग जो स्पीशीज़ हैं दूसरी स्पीशीज़ हैं उनसे हमें एक बहुत हद तक एक अलग करता है अगर हम इसको दूसरे में, में भी देखें तो जो, जो हमारे जेनेटिक्स हैं उसके अनुसार हमारे अंदर तमाम तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जैसे हमारे अंदर सोचने की क्षमता है हमारे अंदर दूसरे लोगों से कैसे इंट्रैक्ट करना है उसकी हमारे अंदर क्षमता है तो इस प्रकार की बहुत सारी क्षमताओं के लिए हमारा मस्तिष्क जिसका साइज बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर इस तरह के बहुत सारी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं कॉग्नेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं संज्ञानात्मक हमारे अंदर काबिलियत है तो उसके लिए हमें एक बड़े मस्तिष्क की यानी कि अगर हम साइज़ में बात करें तो जो एस्पेक्ट रेशियो है हमारा हेड टू बॉडी का तो मनुष्यों का वो एस्पेक्ट रेशियो सभी जानवरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है तो ये भी दर्शाता है कि किस तरह से जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर इसके आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे मानव व्यवहार का जैविक आधार यानी कि बायोलॉजिकल बेसिस फॉर ह्यूमन बिहेवियर अब मानव शरीर की जब हम बात करते हैं तो मानव शरीर में उसके एनाटॉमी की और स्ट्रक्चर की हमें यहाँ पर बात करने की उतनी आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे थोड़ा सा हमें यहाँ एक चर्चा करनी होगी हालांकि विस्तार में इसकी चर्चा हम आगे अपने कभी जब कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी कभी चर्चा होगी लेकिन अभी इसको सिर्फ यहाँ पर हम इस इस तरीके से समझें इस तरह से इसको देखें कि मानव व्यवहार के आधार के तौर पर जो हमारी जैविक जो जो हमारी जो बायोलॉजिकल जो हमारे बेसिस हैं वो क्या हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर संचार के दो बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं या तरीके हैं जिसमें से कि पहले तरीके को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर के इंटरनल जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो है उसका नाम है दैट इज़ एंडोक्रीन सिस्टम वो भी हमारे शरीर के अंदर के ही कम्युनिकेशन के लिए यानी संचार के लिए जिम्मेदार है या उस कार्य को पूरा करता है इन दोनों में जो थोड़ा मूलभूत अंतर है हम उसको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें बेसिकली न्यूरोस का रोल होता है और न्यूरॉन्स में जो सूचना का आदान प्रदान होता है जो कि बाहर से आने वाले स्टूमुलस जो आ रहे हैं जो सूचना हमारे पास आ रही है उसका हमारे मस्तिष्क तक पहुंचना और फिर मस्तिष्क में उस सूचना का एक क्रियान्वयन होना उसका प्रोसेसिंग होना और उसके बाद पुनः उसके आधार पर उस सूचना के आधार पर जो भी हमारे एक्शंस हैं या जो भी हमारा डिसीजन है उसको कन्वे करना हमारे बॉडी पार्ट्स को हमारे पेरिफेरल पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स को हमारे शारीरिक अंगों को ताकि उसके अनुसार हम अपना कार्य या डिसीजन कर सकें तो इसके लिए हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल जिस तरीके से ट्रांसफर होता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रिक और साथ ही साथ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सूचना जाती है जो उसका नेचर होता है वो केमिकल नेचर होता है और उसका नाम होता है सेनेप्टिक ट्रांसमिशन और इसी तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो महत्वपूर्ण भागों में उसको बांटा गया है एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि फिर से उसको आगे दो भागों में बांटा गया है पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके जो दो बहुत सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं या उसके पार्ट हैं वो है हमारा ब्रेन द ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो जैसा कि हम इसको अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो भी सूचनाएं जितनी भी सूचनाएं हमारे पास आती हैं उन सभी की जो प्रोसेसिंग होती है जो उनका क्रियान्वयन होता है चाहे उसका वो मतलब निकालना हो या उसके आधार पे कोई भी निर्णय लेना हो तो वो सभी प्रक्रियाएं अंततः हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं यानी कि मस्तिष्क हम यूँ कह सकते हैं हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे केंद्रीय भाग है सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसी के साथ जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को उसका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि हमारे बाकी शरीर से हमारे शारीरिक अंगों से हमारे मस्तिष्क को जोड़ना तो स्पाइनल कॉर्ड यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है इसके अलावा भी महत्वपूर्ण कार्य हैं स्पाइनल कॉर्ड के जिसमें से रिफ्लेक्स एक्शंस भी एक कार्य है तो स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है बाहर से आने वाली सूचनाओं को जो हमें प्राप्त हो रही हैं उनको और हमारे शारीरिक अंगों से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाना और फिर जो मोटर सूचनाएं या जो एक्शन के रूप में जो सूचनाएं आ रही हैं उनको फिर से पुनः बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना तो एक ये दोनों के बीच का एक कह सकते हैं हम कि जुड़ाव का, का काम करता है स्पाइनल इस कॉर्ड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी चर्चा में और हम बात करते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की पैरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो बहुत महत्वपूर्ण इसके भाग हैं एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पुनः दो भागों में बांटा गया है एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें मुसीबतों से या परेशानियों में या जब भी हम किसी समस्या में होते हैं या किसी क्राइसिस सिचुएशन में या डेंजर सिचुएशन में तो ऐसे समय पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और हमें उस समय जो भी ज़रूरी क्रियाएं हैं हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे उस परिस्थिति से निपटने के लिए जितनी भी आवश्यक कार्यवाइयाँ हैं वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम उसको स्वतः करता है और कुछ समय के बाद जब हमारी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है या फिर अगर ऐसा ना भी हो तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो भी बदलाव हमारे शरीर के अंदर किए हैं उन सभी को दोबारा से नॉर्मलाइज़ करना यानी कि उनको वापस उसी स्थान पर लाना जो हम सामान्य रूप से हमारा शरीर जिस अवस्था में रहता है तो ये कार्य हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता है इसके बाद हम बात करेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम की सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारा शरीर का वो तंत्र है जिसमें हमारी मुख्यतः क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं और ये हमारे मस्तिष्क से निक निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे क्रेनियल नर्व्स मुख्यतः हमारे जो फेशियल भाग है चेहरा है उससे संबंधित सूचनाओं को और एबडोमन से भी रिलेटेड हमारी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसके अंदर दो प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं एफरेंट और इफरेंट यानी कि एक ऐसा न्यूरॉन जो पहले तो स्पाइनल कॉर्ड से सूचना दूसरे अंगों की तरफ ले जाता है यानी आउटपुट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जिसको हम इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं और ऐसे न्यूरॉन्स जो कि हमारे शारीरिक अंगों से जो सूचनाएं आ रही हैं उनको हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो पहुंचाते हैं मस्तिष्क तक तो इस तरह से ये दो हमारे महत्वपूर्ण सोमेटिक नर्वस सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग हैं इसके आगे हम बढ़ते हैं एंडोक्रीन सिस्टम की तरफ तो एंडोक्रीन सिस्टम जो है उसको नालीविहीन यानी कि एक ऐसा सिस्टम भी कहा जाता है जिसमें नलिका नहीं होती यानी जो इसका जो इसमें जो सिक्रीशन होता है और ये हार्मोनल सिस्टम भी इसको हम सामान्य समझने के लिए कह सकते हैं जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है इसमें जो हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होता है यानी कि ये किसी माध्यम से वहाँ नहीं पहुँचता बल्कि इसका सीधा सिक्रेशन ब्लड में होता है इसीलिए इसका जो नाम है वो एंडोक्रीन सिस्टम है मतलब अंतस्त्रावी यानी जिसका जो बिना किसी नलिका की सहायता के वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुँचता है तो एंडोक्रीन सिस्टम जो है उसका जो मुख्य कार्य है वो हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस की जो अवस्था है उसको बनाए रखना यानी हमारे शरीर में एक जो बैलेंस है वो हर प्रकार का बैलेंस चाहे वो हमारा फ्लूइड बैलेंस हो या हमारे शरीर में जिस भी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं चाहे वो ग्लूकोज की मात्रा हो या चाहे हमारा ब्लड प्रेशर हो या हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेंशन है यानी पानी किस मात्रा में होना चाहिए और किस मात्रा में हमें उसको बाहर निकालना चाहिए तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे जो बॉडी रेगुलेशंस हैं जो हमारी शारीरिक क्रियाएँ हैं उसमें एंडोक्रीन सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मस्तिष्क के ऐसे कुछ पार्ट्स हैं कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जिनकी हम बात करेंगे जो कहीं हम ये देखेंगे इससे हमें सिर्फ एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से मस्तिष्क के विभिन्न विभा जो भाग हैं हमारे पार्ट्स हैं डिविजन्स हैं वो किस तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में इनका एक महत्वपूर्ण रोल है तो ये सिर्फ़ इसका एक छोटा सा उदाहरण है यहाँ पर इसके अलावा मस्तिष्क की जो पूरे जो एक कह सकते हैं हम समग्र जो एक आ, उसकी समझ है या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में जो उसकी आ, जो उसकी आवश्यकता है या जो उसका रोल है ये उसका सिर्फ एक छोटा सा प्रारूप है यहाँ पर तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि हमारे एंडोक्रीन सिस्टम को भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका एक मुख्य भाग होता है वो हाइपोथैलेमस अगर हम देखें तो वो हंगर और थर्स्ट यानी कि हमारी भूख और हमारी प्यास दोनों को वो रेगुलेट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसी के साथ साथ लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक सिस्टम हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे इमोशंस और मोटिवेशन से संबंधी सूचनाओं की प्रोसेसिंग के लिए उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसके बाद हिपो की अगर हम बात करें तो हिपो जो होता है उसका मेमोरी यानी स्मृति के संरक्षण में और स्मृति के आ, के प्रोसेसिंग में उसका एक बहुत बड़ा रोल पाया गया है हिपो का इसके साथ ही साथ रेटिकुलर फॉर्मेशन जिसको आर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी स्लीप वेक साइकिल में यानी जो हमारी जगने की और जागृत होने की जो अवस्था है जो अटेंशन के हमारे जो जो एबिलिटी है उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है आर का ये एक जालीदार एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है इसीलिए इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं इसके अलावा सेरीबेलम की अगर हम बात करें तो मुख्यतः सेरीबेलम को माना गया है कि सेरिबेलम हमारी मोटर कोऑर्डिनेशनस के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है लेकिन हाल ही के समय में और शोधों से ये पता चला है कि सेरिबेलम इसके भी अलावा बहुत सारी हमारे प्रोसेसेस में यानी मेंटल प्रोसेसेस में उसका योगदान है इसी के साथ अगला जो आ, महत्वपूर्ण भाग है वो एमिक है और एमिक भी इमोशंस से रिलेटेड और मोटिवेशन से हमारे रिलेटेड जो मेमोरीज होती हैं उनके कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में और उनके हमारे उस तरह की सूचनाओं की प्रोसेसिंग में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है और अगर हम बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो कि मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा भाग है जो कि आगे उसको हम और लोब्स में भी डिवाइड करते हैं चार तरह के लोब्स में उसको डिवाइड करते हैं फ्रंटल लोब टेम्पोरल लोब पेराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब तो इस तरह के जो चार लोब्स में भी इसको हम डिवाइड करते हैं इसको हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे कॉग्नेटिव फंक्शंस का केंद्र है यहाँ पर हमारी थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसका एक उदाहरण है उसके अलावा भी जितने भी प्रकार के कॉग्नेटिव फंक्शंस हैं कहीं ना कहीं प्राइमरीली उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल बेसिस है यानी जो हमारा जैविक आधार है और महत्वपूर्ण रूप से हमारा जो मस्तिष्क है उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में यानी जो साइकोलॉजिकल गुण हमारे हैं जो व्यवहार हमारे हैं उन सभी के प्रदर्शन में उनका जो एक मूल आधार है वो हमारा जैविक आधार है तो ये इस इन सभी एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं अगर हम इसके बाद बात करें अभी तक हमने बात की जेनेटिक्स की अभी तक हमने बात की बायोलॉजिकल बेसिस की अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आ, एक आधार पे, जो है मानव व्यवहार का सोशियो कल्चरल आधार यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार हमारे व्यवहार का मानव व्यवहार का तो इसमें अगर हम सबसे पूर्व में बात करें कि जो संस्कृति की अवधारणा है यानी कि ये कॉन्सेप्ट है क्या हम संस्कृति ये शब्द हम अक्सर कई बार इसको सुनते हैं कई बार ये हमारे बातचीत में आम बातचीत में भी इसका उपयोग होता है इस शब्द का तो वास्तव में संस्कृति जो है या ये जो शब्द है इसका एक समझ हमको एक पहले विकसित करनी होगी कि संस्कृति की समझ के लिए हम इसको इस प्रकार से देखें कि सांस्कृतिक जो हमारा जो एक आधार होता है या एक समझ होती है उसमें हम इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हम तमाम तरह के वैल्यूज़ बिलीव्स और ऐसी प्रैक्टिसेस हमारी हैं सिस्टम्स हैं हमारे जो पहले से चले आ रहे हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के हम अनुरूप अपने आप को ढालते जाते हैं और हम एक तरह से उसको आत्मसात कर लेते हैं और उसी वे ऑफ लाइफ में हम अपने आप को ढाल देते हैं तो ये हमारा संस्कृति है इसके अलावा अगर हम संस्कृति की एक और एक और दृष्टिकोण से इसको समझें तो जब कुछ लोगों का एक समूह यानी एक एक लोगों का जब समूह होता है और वो एक प्रकार के ही आ, उनके अंदर प्रैक्टिसेस होती हैं या वो एक तरह से ही कार्य कर कार्यशैली उनकी होती है जहाँ पर कि वो एक तरह की मान्यताएँ एक तरह के उनके, उनके बिलीव्स और एक तरह के उनके वैल्यू सिस्टम्स और उनकी प्रैक्टिसेस तो ये जब ये चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं तो वो हम ये कहते हैं कि ये ये सारे लोग इस पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं या ये उस कल्चर से आते हैं उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य या तो कल्चर को किसी कल्चर को बिलोंग करता है या कोई कल्चर ऐसा होता है जिसको मनुष्य प्रैक्टिस करता है तो ये इस तरह से हम कल्चर की समझ को अपना एक उसकी एक समझ विकसित कर सकते हैं इसके बाद जो संस्कृति या कल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो मुख्य धाराएं हैं जो कि शोध शोध के जितने भी शोध हुए हैं उनमें ये दो मुख्य धाराएं पाई गई हैं इनको मुख्य इसलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादातर शोध कहीं ना कहीं इन्हीं पर केंद्रित हैं और इसमें जो दो मुख्य जो डिवीजन हैं वो हैं एक कलेक्टिविस्ट कल्चर का और एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर का तो जैसा कि हम जब साइकोलॉजिकल स्टडीज़ को जब देखते हैं उनको पढ़ते हैं तो उसमें ये मुख्यतः पाया गया है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वो ज़्यादातर मेनली पाया जाता है यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज़ में यानी कि वहाँ पर व्यक्तिवाद को एक वहाँ पर व्यक्तिवाद की एक हम कह सकते हैं कि उस प्रकार का एक चलन है जहाँ पर व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है और उसकी जो सोच है उसकी जो समझ है उसकी जो आवश्यकताएँ हैं उसका जो खुद को एक डेवलप करने का एक इंडिपेंडेंट तरीका है जहाँ पर कि उस वो खुद केंद्र में होता है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके इर्द गिर्द होती हैं तो ये जो अप्रोच है जिसको हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कहते हैं या इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर कहते हैं ये इस तरह के कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पाया जाता है और जब हम कलेक्टिविस्ट कल्चर की बात करते हैं तो कलेक्टिविस्ट कल्चर में व्यक्ति केंद्र में ना हो करके के हमारा जो एक पूरी सोसाइटी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिविज्म की बात है और यहाँ पर व्यक्ति खुद को केंद्र में नहीं रखता इस तरह के कल्चर्स में और इसके उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो एशियन स्पेशली जो एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो कल्चर प्रिवलेंट है या जो व्याप्त है उसको भी हम इस इससे देख सकते हैं और इस उस तरह से कलेक्टिविस्ट कल्चर कि वहाँ पर ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि उसके एग्जाम्पल्स वहाँ ज़्यादा मिलते हैं तो इसमें हमारा इंडिया का भी अगर हम कहें तो मूल रूप से इंडिया को भी कलेक्टिविस्ट कल्चर का ही एक पार्ट कहा जाता है कि इंडिया में भी कलेक्टिविस्ट कल्चर ही डोमिनेटिंग है हालांकि ये आज के समय में अगर हम कहें तो अभी इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे अभी अपने आगे आने वाले जो विषय जो हमारे टॉपिक्स होंगे कि आज के समय में ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि किसी एक जगह पर और कल्चर के साथ एक और हमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए वो ये है कि कल्चर नेशनल बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं करता यानी विद इन अ नेशन भी डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं और अक्रॉस द नेशंस भी सेम कल्चर्स हो सकते हैं तो ये एक ऐसी धारणा है जिसको हमें थोड़ा बेहतर समझने की ज़रूरत है इसके साथ साथ कलेक्टिविस्ट कल्चर का जब मैं उदाहरण आपको बता रहा था तो उसमें जैसे हम केंद्र में उसमें व्यक्ति को न रख के उसमें परिवार को हमारे समाज को हमारी वैल्यूज़ को और हमारी प्रैक्टिसेस को उनको भी हम केंद्र में रखते हैं यानी हमारे व्यवहार में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे खुद की जो इच्छाएं हैं उनसे ऊपर हम इन चीज़ों को भी रखते हैं तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत से ऐसे बंधन हम कह सकते हैं या एक हमारा ये कार्यशैली में ये इस तरह का एक आदत हमें होती है कि हम खुद को केंद्र में ना रख के हम तमाम इन पहलुओं को भी अपने लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान देते हैं इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता अब सांस्कृतिक विविधता का जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था कि हम जब विविधता की बात करते हैं तो विद इन द कल्चर भी आप देखेंगे कि सब कुछ एक समान नहीं है विद इन द कल्चर भी देर आर डिफरेंसेज उसमें बहुत तरह के डिफरेंसेज बहुत तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं और साथ ही साथ अक्रॉस द कल्चर्स हम बहुत तरह की समानताएं भी पाते हैं और कल्चरल डाइवर्सिटी में जो हमें समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके अगला जो एक कॉन्सेप्ट है एथनोसेंट्रिज्म का वो इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि एथनोसेंटिसिज्म उसको कहते हैं कि जब हम अपने कल्चर को दूसरों के कल्चर से श्रेष्ठ मानते हैं या बेहतर मानते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने ही कल्चर को बेहतर मान के और उसी की आदतों को उसी की प्रैक्टिसेस को और उसमें होने वाले क्रियाकलापों को हम बेहतर समझते हैं या यूँ कह लें कि नॉर्मल समझते हैं और जो दूसरे लोग कर रहे हैं या दूसरे लोग जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं यानी जो डिफ़रेंट कल्चर्स में जो हो रहा है कहीं ना कहीं हम उसे एक डिवियंट बिहेवियर यानी कि एक रास्ते से भटका हुआ या एक दूसरी दिशा में या गलत दिशा में जाता हुआ व्यवहार भी मानते हैं या उसको कई बार हम उस तरह से कैटेगराइज़ करते हैं जो कि एक बहुत बड़ी त्रुटि है ये हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि एथनोसेंट्रिज्म जो है वो एक मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता के लिए उसको एक गलत दिशा में ले जाएगा क्योंकि उसकी जो समझ है वो अगर वो एक पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर केंद्रित है या उससे प्रभावित है या यूं हम कह लें कि वो बायस्ड है उसको लेकर के तो फिर वो दूसरे कल्चर्स की जो समझ है या जो उनका अध्ययन है उसके प्रति जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी इसके साथ ही हम बात करते हैं जो अगला टॉपिक है वो हमारा दैट इज़ कल्चरल शेपिंग अब कल्चरल शेपिंग की जब हम बात करते हैं तो कल्चरल शेपिंग की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे इस इसको हम इस तरह से समझें कि जो हमारे अंदर जितनी भी हमारी सांस्कृतिक जो भी हमारी समझ है या हमारे अंदर जो भी जो सांस्कृतिक वजहों से हमारे अंदर आने वाले जो बदलाव हैं या गुण हैं वो हमारे अंदर आते कैसे हैं यानी कि जो हमारा एक एक कल्चरल सेल्फ है उसकी शेपिंग कैसे होती है उसका गठन कैसे होता है उसका निर्माण कैसे होता है तो इस प्रक्रिया को भी समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये इस इस इसके बाद ही हमें ये समझ में आएगा कि ऐसे कौन कौन से वो कारक हैं या कारण हैं जो कि हमारे हमें एक व्यक्ति के तौर पे प्रभावित करते हैं तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं एनकल्चरेशन। तो एनकल्चरेशन की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति अपने जिस भी संस्कृति या समाज में रहता है वहाँ पर वो स्वतः उन चीज़ों को देखता है उनको सीखता है और किसी भी तरह का उस पर कोई दबाव नहीं होता या उसको ये मजबूर नहीं किया जाता कि नहीं आपको ये सीखना पड़ेगा या आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा ये बहुत हद तक हम इसको देख के आत्मसात करते हैं यानी कि हम दूसरों को देखते हैं उनको उन्हीं की तरह हम भी अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं और हम कह सकते हैं कि सोशल कन्फर्मिटी जो है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी बहुत हद तक एनकल्चरेशन का ही एक एक आप कह सकते हैं कि वो भी एक प्रारूप है क्योंकि जब हम सोशल कन्फर्मिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने विचार अपने भाव अपनी जो उसकी जो कार्यशैली है उसको कहीं ना कहीं दूसरों के अनुसार वो परिवर्तित कर देता है या उनके अनुरूप उसको बना लेता है तो एनकल्चरेशन में भी उसी प्रकार से हम दूसरों के अनुसार सामने वालों को देखते हुए अपने आसपास जो हमारे जो जो भी कार्यशैली है जो भी हमारी बिलीव्स हैं वैल्यूज़ हैं उन सभी के अनुसार हम खुद को ढालते हैं उसके अनुसार हम उन चीज़ों को आत्मसात करते हैं ताकि हम और इसका एक बहुत ज़रूरी पहलू भी है क्योंकि हमें उसी समाज में उसी कल्चर में हमें रहना है और वहीं पर हमें अपना समय बिताना है तो हम चाहते हैं कि हमारा सामंजस्य वहाँ पर बेहतर हो और हम लोगों के द्वारा पसंद किए जाएं और हम कुछ ऐसा न करें जो कि जिसको गलत समझा जाए या जिसको गलत माना जाए और हम जो भी करें उसकी वजह से हमारी जो एक्सेप्टेंस है हमारी जो लोगों के बीच में जो हमारी एक जो कह सकते हैं कि उनके बीच में जो हमारी एक इमेज है वो बेहतर बनी बनी रहे या बने तो इसके लिए हम इस तरह का अपने आप को ढालते हैं और एनकल्चरेशन की इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं हमें उस कल्चर में एसिमिलेट होने में या उसमें हमें सम्मिलित होने में उसका भाग बनने में हमें मदद मिलती है इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी प्रक्रिया है वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है जिसके तहत हमारी शेपिंग होती है और सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है समाजीकरण की उसमें हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं मगर तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसमें एक फैमिली है यानी हमारा परिवार और दूसरा है हमारा पीयर ग्रुप और तीसरा है हमारा स्कूल तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमारे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसके अलावा भी हमारे महत्वपूर्ण घटक हैं जैसे मास मीडिया हुआ या और भी तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमारे सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं टाइम टू टाइम बट ये तीन जो हैं जिसमें फैमिली और पीयर ग्रुप और हमारा स्कूलिंग ये तीनों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है जिसमें से फैमिली का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए जो यानी हमारा जो शुरुआती जो समाजीकरण है जो सबसे मूलभूत समाजीकरण है वो हमारे परिवार से ही शुरू होता है और मुख्यतः हमारे पेरेंट्स से शुरू होता है तो पेरेंट्स हमारे सोशलाइजेशन की इस प्रक्रिया में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि हम बहुत शुरू से यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के एक काफ़ी लंबे समय तक हम सीधे अपने पेरेंट्स को ही ऑब्ज़र्व करते हैं और ज़्यादा समय हम उनके साथ बिताते हैं और इनिशियल ईयर्स में हमारी जो शेपिंग है वो बहुत हद तक हमारे पेरेंट्स के अनुसार होती है और घर का जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे सोशलाइजेशन में बहुत हद तक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके साथ ही साथ हमारा जो पीयर ग्रुप है पीयर ग्रुप में भी हमारे जो साथी हैं जो दोस्त हैं खास करके जो चाइल्डहुड के ईयर्स हैं यानी बचपन की जो अवस्था है उसमें हमारा जो पीयर ग्रुप है उसका जो हमारा उसके साथ जो इंटरेक्शन है वो हमें बहुत हद तक सोशलाइज होने में और हमारे सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है इसीलिए डेवलपमेंटल स्टडीज़ में जो पीयर ग्रुप का जो रोल है उसका जो इम्पॉर्टेंस है उसको भह, बहुत महत्व दिया गया है इसके बाद हम बात करेंगे स्कूलिंग की जो स्कूलिंग की जो व्यवस्था है बच्चा पहली बार अपने घर से सबसे ज़्यादा समय बाहर अगर कहीं बिताता है तो वो है उसका स्कूल तो स्कूल में जाने के बाद स्कूलिंग में बच्चा एक लंबा समय बिताता है और वहाँ पर वो टीचर्स से इंटरेक्ट करता है अपने साथी क्लासमेट्स से इंटरेक्ट करता है बच्चा तो ऐसे में टीचर्स और उसके जो साथी क्लासमेट्स हैं वो भी उसके व्यवहार को शेप करने में यानी उसके सोशलाइजेशन की इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो कुल मिलाकर के सोशलाइजेशन की जो ये प्रक्रिया है ये हमारे व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करती है और ये कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जिसमें फैमिली पीयर ग्रुप और हमारा स्कूलिंग ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं एकलचरेशन की एकल्चरेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कोई भी एक व्यक्ति जो किसी दूसरे कल्चर से बिलोंग करता हो और वो फिर किसी दूसरे कल्चर के सानिध्य में आता है या उसके संपर्क में आता है तो इस तरह की जब घटना होती है और उससे उसका कल्चर की जो समझ है या उसकी जो जो उसकी कल्चरल जो, 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 जो प्रैक्टिसेस हैं कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं तो ऐसे में वो जो उसका ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरों के कल्चर से कुछ सीखते हैं और उनके इंटरेक्शन से भी हम कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज एकल्चरेशन और एकल्चरेशन में चार तरह के मुख्य आ, कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजीज़ होती हैं एक इंडिविजुअल की एक व्यक्ति की चार प्रमुख इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके तहत वो एकल्चरेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं इसमें पहला है दैट इज नोन एज उसको कहते हैं एसिमिलेशन और एसिमिलेशन की जो ये प्रक्रिया है जो समावेश की प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति जब दूसरे कल्चर के लोगों से मिलता है यानी जब वो डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करता है तो वो वहां पर प्रयास करता है कि वो उनके भी कल्चर को सीखे और उनके कल्चर के अनुसार अपने आप को ढाले तो ऐसे में व्यक्ति का ये प्रयास अधिक होता है और ये ज़्यादातर तब होता है जब हम डोमिनेटिंग कल्चर की बात करते हैं कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं या कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि अगर हम इनकी तरह व्यवहार करें या इनकी तरह हम भी हो जाए तो हमें ज़्यादा लाभ होगा या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा तो इस तरह के प्रोसेस में हम एसिमिलेट होने की कोशिश करते हैं यानी कि हम उनके जैसा ढलना या उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं इसके बाद जो दूसरा एक स्ट्रेटजी होती है दैट इज़ नोन एज सेपरेशन स्ट्रेटजी या पृथककरण की जो एक हमारी रणनीति होती है इसमें व्यक्ति जब दूसरे कल्चर के संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल कल्चर को वो संजो के रखना चाहता है या उसको बहुत दृढ़ता से पकड़ के रखता है और वहाँ पर वो ये प्रयास करता है कि वो सामने वाले के कल्चर से या डिफरेंट कल्चर से प्रभावित ना हो करके उसको आत्मसात ना करके अपने कल्चर पर अडिग रहे या टिका रहे या उसको मूलतः वो बहुत मुख्यतः उसको उस पर वो अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर के बहुत रिजिड रहता है तो ऐसी स्ट्रेटजी को हम कहते हैं सेपरेशन स्ट्रैटेजी जहाँ पर व्यक्ति अपने कल्चर को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए उसी पर टिका रहता है उसी प्रैक्टिस को वो करता रहता है फॉलो इसके बाद जो तीसरा एक और स्ट्रैटेजी है वो इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है और इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी को हम कह सकते हैं कि ये जो एकीकरण की जो स्ट्रैटेजी है इसमें व्यक्ति अपने जब वो किसी दूसरे संपर्क में आता है कल्चर के तो वो वहाँ पर दोनों ही तरह की जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है यानी कि थोड़ा उनसे कुछ गेन भी करना कुछ उनसे सीखना साथ ही साथ अपने भी कुछ मूलभूत जो बेसिक जो उसका कल्चर है जो उसको भी पकड़ के रखना यानी कि यहाँ पर वो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है कि वो सामने वाले के यानी डिफरेंट कल्चर जो जिसके वो इंटरेक्शन में आया है या संपर्क में आया है वहाँ से भी वो कुछ चीज़ें ग्रहण करे उनकी भी कुछ आदतों को ले और अपनी भी कुछ प्रैक्टिसेस को जिनको वो बेसिक प्रैक्टिसेस मानता है उनको भी वो अपने साथ रखे और एक इंटीग्रेटेड कल्चरल एक आस्पेक्ट को वो अपने लिए उसमें वो उस दायरे में खुद को लाए और वो जहाँ पर कि वो अपने मूलभूत प्रैक्टिसेस को और साथ ही साथ सामने वाले से इंटरेक्शन में जो उसने सीखा है जो उसको मिला है उन प्रैक्टिसेस को भी वो आत्मसात करने की कोशिश करता है इसके बाद जो तीसरा जो जो हमने चर्चा की इसके बाद जो चौथा एक स्ट्रेटजी है उसको हम स्ट्रेटजी ना कहते हुए उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कई बार एक ऐसी अवस्था हो जाती है जो मार्जिनलाइजेशन की एक अवस्था है इसमें व्यक्ति कई बार उसको ये दुविधा होती है कि वो क्या करे और वो कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूज़न में रह के ना तो अपने ही कल्चर को बहुत ठीक से वो फॉलो कर पाता है या उसी में उसकी दृढ़ता रहती है या उसी में उसका विश्वास रहता है और ना ही वो दूसरे के कल्चर को भी बहुत प्रभावी मानते हुए या बहुत उपयोगी मानते हुए उसको अडॉप्ट करता है तो ऐसी अवस्था में इंडिविजुअल के साथ ये होता है कि वो दोनों ही तरह के दोनों ही प्रकार के कल्चर्स को यानी खुद का भी जो उसका कल्चर है जो एग्जिस्टिंग उसका प्रैक्टिस हैं और जो जिसके इंट्रेक्शन में वो आ रहा है उनके कल्चर को भी दोनों ही के कल्चर को वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकता करता है और उन दोनों से ही वो थोड़ा अलग हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उसको हम कहते हैं मार्जिनाइज मार्जिनलाइजेशन अब यहाँ पर इस परिदृश्य में जो हमारी चर्चा को अंतिम दौर में भी लेके आ रहा है हम यहाँ पर बात करेंगे समकालीन परिदृश्य में सांस्कृतिक संपर्क और इसमें जो एक कॉन्सेप्ट उभर कर आया है दैट इज़ कल्चरल बोरोइंग अब समकालीन परिदृश्य में अगर हम बात करें तो आज के समय में हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो विश्व है वो आज की डेट में एक 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 बड़ी ग्लोबल विलेज के तौर पर उसको देखा गया है यानी कि अब हमारे जो कंट्रीज़ में या विभिन्न देशों में जो दूरियां थीं या यूं कह लें कि जो अलगाव था वो काफ़ी हद तक पट गया है और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कारण है और वो है संचार माध्यम यानी कि जब से टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है जो उसमें जो उसमें तब्दीलियां आई हैं और उसके बाद जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो क्रांतियां आई हैं जिसकी वजह से आज हम विश्व में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से संपर्क में आ सकते हैं बिना वहाँ गए भी तो इस प्रकार के और और मास मीडिया का रोल जिसमें टेलीविज़न और न्यूज़पेपर और तमाम तरह के आज के समय में इंटरनेट एक बहुत बड़ा साधन है तो इस तरह से और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो ऐसे में आजकल ये होता है कि हम केवल जहाँ रहते हैं केवल वहीं से प्रभावित नहीं हो रहे हैं या हम उसी के आसपास के परिदृश्य से प्रभावित न हो करके हम और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबली जो कि फंक्शनल हैं हम उन फैक्टर से भी प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे भी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं कुछ चीज़ें आत्मसात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल बोरोइंग का इसको हम दो तरह से देख सकते हैं एक कल्चरल बोरोइंग वो है जहाँ पर कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं और उनके कल्चर में अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या हम उससे प्रभावित होते हैं तो हम उसको अपने अंदर भी ढालने की कोशिश करते हैं या उन प्रैक्टिसेस को हम भी अपने अंदर लाना चाहते हैं या लाते हैं तो ऐसे में जब इस तरह की जो इस प्रकार की जो अवस्था है उसको हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे कुछ सीखते हैं लेकिन एक और इसका पर्सपेक्टिव है और वो ख़ास करके भारत के परिदृश्य में भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसको समझने में कि जैसे एक ऐसा समय था जब विशेष करके जो इंग्लैंड है या इस तरह के जो कॉलोनियल कंट्रीज़ रही हैं उनका एक बहुत बड़ा आ, समय एक उनका बीता जिसमें उन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया और उसमें उन्होंने कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश की यानी कि अपने अधीन उन्होंने बहुत सारे देशों को रखा और ऐसे में जब वो वहाँ पर गए और इस तरह से वो जब पहुँचे इस तरह के देशों में तो वहाँ पर उन्होंने उनके संसाधनों के अलावा और हम कहें तो उनकी व्यवस्थाओं के अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव किया और वो था कि उनके कल्चरल आस्पेक्ट में बदलाव यानी कि उन्होंने वहाँ के कल्चर को जो एग्जिस्टिंग कल्चर है कहीं ना कहीं उस उसको डोमिनेट करते हुए अपनी जो प्रैक्टिसेस थी अपनी जो वैल्यूज थी उनको भी वहाँ पर चाहे वो उनका पहनने का कपड़े पहनने का तरीका हो या चाहे वो उनके खान पान की पद्धतियाँ हों या चाहे वो उनकी शिक्षा की पद्धति हो या चाहे वो उनकी व्यवहार करने की पद्धति हो इस प्रकार की जितने भी उनके अंदर उनकी अपनी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी कहीं ना कहीं उन्होंने उसको वहाँ पर जहाँ पर वो गए और जहाँ जिन देशों में उनका प्रभुत्व था उन देशों में भी उस प्रभाव को उन्होंने वहाँ पर उसका एक छाप छोड़ी और इसके तमाम उस वक्त हम कारण कह सकते हैं कि उस वक्त के जो भी लोग रहे होंगे उनके पास भी अपने मोटिव्स होंगे अपने कारण रहे होंगे जिस कारण से उन्होंने इस तरह की जो व्यवस्था थी जो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट था कि उनको दूसरे के कल्चर को आत्मसात करना है या नहीं करना है तो इस तरह की जो निर्णय उनको उस समय लेने पड़े होंगे तो उसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का भी रहा होगा कि उन्होंने तात्कालिक लाभ और उसके हानियाँ उनको भी उनका भी मूल्यांकन किया होगा और उसके बाद उन्होंने शायद ये पाया हो कि अगर हम इसमें से कुछ बदलाव उनको अपना लेते हैं तो शायद हमारे इससे कुछ हमारी बेहतरी हो सके उसके कई पहलू हैं और उस पर एक चर्चा बनती है कि किस प्रकार से जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे दूसरों के जो कल्चर्स पे जो प्रभाव पड़ा और उसका जो एक उसका जो रिजल्ट आया तो आज के समय में हम उसको किस तरह से देखते हैं या उन प्रैक्टिसेस को या उस इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक एक दूसरे दृष्टिकोण की भी ज़रूरत होगी जहाँ पर कि हम ये समझेंगे जो कल्चर्स जब आपस में एक फ्रेंडली वे में मिलते हैं और वहाँ पर हम जब दूसरों से कोई चीज़ अपनी इच्छा से गौरव करते हैं या फिर कई बार हमें जब एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाता है कि जहाँ पर हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमें अब उस कल्चर को आत्मसात करने से लाभ होगा या हमारी एक तरह की मजबूरी भी बन जाती है अगर हम कहें जैसे अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि सपोज़ अगर हम एक क्षण के लिए सोचें एक उदाहरण के तौर पे कि जब एक व्यक्ति यहाँ से भारत से उठ करके किसी विदेश की कंट्री में जाता है अमूमन अगर हम कह लें कि वो अगर यू ही गया तो वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर वो अपने आप को अकेला महसूस करता है तो ऐसी अवस्था में जो उसके अंदर जो बदलाव आएंगे जो उसकी प्रेफरेंसेस होगी कल्चर को लेकर के वो अलग होगी और उस व्यक्ति के मुकाबले जो कि अपनी जगह पे बहुत ही आराम से रहते हुए उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो दूसरों के कल्चर्स में से कुछ अपने अंदर ग्रहण करे या चाहे तो उसको छोड़ दे तो ये दोनों अलग अलग तरह की अवस्थाएं हैं जिस पर भी चर्चाएं होती हैं और इसके भी क्या व्यापक इसके असर हैं या इसके क्या इसके प्रभाव हैं इस पर भी चर्चाएँ होती हैं और इस पर आगे और शोध होते हैं और होंगे जिनकी आवश्यकता भी है इसके बाद हमें एक और पहलू को नहीं भूलना चाहिए और वो है विभिन्न संस्कृतियों में समानता अभी तक हमने जो बात की उसमें कहीं ना कहीं हमने ये स्थापित करने की कोशिश की या ये बताया कि जो कल्चर्स हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं उनकी प्रैक्टिसेस में एक दूसरे से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मगर इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी अगर देखें तो केवल भिन्नताएं ही नहीं हैं बल्कि दूसरे दूसरे कल्चर्स में यानी कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर से बहुत हद तक चीज़ें समानताओं के दृष्टिकोण से भी हम उसको समझ सकते हैं जैसे अगर हम देखें तो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की ही अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को खुली छूट देते हैं एक तरह से कि वो ग्रो करें और वो अपने निर्णय खुद लें और वो जीवन में आगे चल के अपने लिए कुछ अच्छा करें तो उनका जो ये अप्रोच है उनका तरीका अलग है मगर जो उनके अंदर अगर हम कहें कि वैल्यूज़ वहाँ भी पेरेंट्स के अंदर यही हैं कि वो अपने बच्चे का भला चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य आगे उज्जवल हो और अच्छा हो ठीक उसी तरह से अगर हम कलेक्टिविस्ट कल्चर की भी बात करें तो कलेक्टिविस्ट कल्चर में भी जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं वो थोड़े से नियम और कायदे कानून को ज़्यादा फॉलो करते हैं और बच्चे से भी उम्मीद करते हैं कि वो उसको फॉलो करें वो बच्चे के साथ थोड़ा सा सख्त भी रहते हैं स्ट्रिक्ट भी होते हैं लेकिन इसके बावजूद जो उनकी भी जो अगर हम इसको अगर तरीका माने लेकिन उनका भी जो इंटेंशन है वो बच्चे का भविष्य बनाना ही है भविष्य निर्माण ही है ताकि वो एक बेहतर व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित हो सके तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारी जो दूस, जो दूसरे कल्चरल प्रैक्टिसेस में अगर हम देखेंगे कि एक कल्चर की प्रैक्टिस दूसरे कल्चर की प्रैक्टिस से भिन्न होते हुए भी बहुत हद तक समानताएं भी उसमें हैं तो इसको भी हमें समझना होगा कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस द सोसाइटीज़ उसमें कितनी भिन्नताएं हैं और कितनी समानताएं हैं किस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी, भी हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे से अलग अलग भी हैं तो ये भी हमारे और इसके लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास एक जो तरीका है इसको करने का वो है क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ या क्रॉस कल्चरल शोध जिसमें कि हम एक अंतर सांस्कृतिक कह सकते हैं शोध की प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमें दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना होता है जिसमें कि एक जिस पर यह निर्धारित है वो है सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता में हमारी इस पहलू को ध्यान रखना क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ में विशेष करके यही ध्यान रखा जाता है कि चूंकि हर कल्चर की अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं कुछ प्रैक्टिसेस हैं तो वहाँ पर होने वाले जो व्यवहार हैं वो अमूमन दूसरी जगह पर होने वाले व्यवहार के मुकाबले वहाँ पर जब हम उस परिदृश्य में जाकर उस व्यवहार को देखें या समझें तो वो वहाँ के लिए सामान्य हैं वहाँ के लिए एक्सेप्टेबल हैं जबकि हम दूसरे संस्कृति या दूसरे कल्चर में जब दूसरी चीज़ को या उसी व्यवहार को हम जब दोबारा देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि उसी व्यवहार को वहाँ पर दूसरे तरीके से देखा जाता है तो यानी कि विभिन्नताओं में किस प्रकार से एक कल्चर में वही व्यवहार सामान्य माना गया है दूसरे कल्चर में वही व्यवहार उसको नेगेटिव समझा गया है तो इस प्रकार के भी जो हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए वो क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ में उसका ध्यान रखा जाता है और साथ ही साथ चूँकि एक बहुत लंबे समय तक ज़्यादातर जो शोध हुए मनोविज्ञान के क्षेत्र में खास करके वो अमेरिकन सेटिंग्स में या यूरोपियन सेटिंग्स में ज़्यादा हुए तो ऐसे में वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं शुरुआती दौर में उन्होंने अपने कल्चर को ही ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया और जो उनकी स्टडीज़ थी या वो चाहे उनकी थ्योरीज रही हों या उनके जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स दी उनका कहीं ना कहीं उसमें एक कल्चरल बायस नज़र आता है उस कल्चरल बायस की वजह से कहीं ना कहीं वो जो दूसरे कल्चर हैं या जो दूसरी जो जो संस्कृतियाँ हैं उनको वो कहीं ना कहीं या आप कह सकते हैं इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको वो एक एक डिवियंट या नेगेटिव नज़रिए से उसको देखते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही आ, हम कह सकते हैं कि अगर हमें मानव व्यवहार की एक बेहतर समझ बनानी है और हम ये चाहते हैं कि हम उसमें सोशियो कल्चरल बेसिस को भी ठीक से उसकी समझ बनाएं ताकि हमें मानव व्यवहार में समाज का और संस्कृति का कितना रोल है और किस तरह से वो वहाँ के परिदृश्य में उसका हम मूल्यांकन करें तभी हम ये एक बेहतर समझ बना पाएंगे कि एक एक पर्टिकुलर कल्चर का दूसरे कल्चर से हम किस प्रकार से देखते हैं कि दोनों में कितनी भिन्नताएं हैं और जो उनकी विविधताएं हैं वो किस हद तक उनके वहाँ की कल्चरल प्रैक्टिसेस सोशल जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से व्याप्त हैं और किस हद तक वो एक उसमें यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है कि जो अक्रॉस द सोसाइटीज अक्रॉस द कल्चर जो एक जैसा है या हम उसको कहें कि किस प्रकार से वो सब एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जिसकी हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं मानवीय समानता की और मानवीय समानता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स की ऐसे गुणों की जो अक्रॉस द सोसाइटीज़ अक्रॉस द कल्चर जो सेम है या सिमिलर हैं जैसे अगर हम कहें तो हमारा सभी का एक नेचुरल एक डर है और हम उस डर को हमारे अंदर सभी के अंदर जैसे अगर हमारे सामने कोई ऐसा जीव जंतु आ जाए जिससे हमें भय होना चाहिए तो अगर हम देखेंगे तो अक्रॉस द कल्चर्स यानी कि पूरे विश्व में की अगर हम बात करें तो सभी संस्कृतियों में चाहे वो कोई भी समाज हो वहाँ पर इस तरह के जीव जंतुओं से सामना होने पर सभी के अंदर वो डर आता है वो हमारा यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि जो भय की जो भावना है वो यूनिवर्सल है लेकिन उसका प्रदर्शन भिन्न हो सकता है यानी एक पर्टिकुलर स्थान पे या एक पर्टिकुलर संस्कृति में उसका प्रदर्शन बहुत ही हम कह सकते हैं प्रोनाउंस्ड होगा यानी कि वो उस डर को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करेंगे और अगर दूसरी जगह हम जाएंगे तो वहाँ पर वो उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में उसको प्रदर्शित करेंगे या इस तरह की अवस्था को वो बहुत ही ये कहेंगे कि उससे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो इस तरह की जो प्रैक्टिस हैं कि कहाँ तक कितने किस स्तर तक हम एक दूसरे से समानता में हैं और किस स्तर तक हम एक दूसरे से भिन्न हैं तो इस तरह की जो समझ है वो हमारी क्रॉस कल्चरल स्टडीज से यानी जो आ, अंतर सांस्कृतिक जो शोध हैं उनके मदद से हम इसको पूर्ण कर सकते हैं तो आज के हमारे इस आ, आ, हमारे इस सत्र में हमने आज बहुत सारी चर्चाएं की जिसमें हमने ये प्रयास किया समझने का कि जो हमारे बायोलॉजिकल बेसिस हैं व्यवहार के वो कौन कौन से हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं साथ ही साथ हमारे जीन्स का जो हम इनहेरिट करते हैं उनका क्या योगदान है हमारे व्यवहार में मनोवैज्ञानिक व्यवहार में और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में और साथ ही साथ सबसे अंत में हमने इस बात पर भी चर्चा की कि जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो आधार है जिसके जिसके आधार पर हमारा व्यवहार कही कहीं ना कहीं शेप होता है तय होता है निर्धारित होता है उसकी भी हमने एक वृहद चर्चा की तो इसके मानव व्यवहार के ये तीनों ही आधार बहुत महत्वपूर्ण एज वेल एज सोशियो कल्चरल बेसिस तो उम्मीद बहुत ही पसंद आया होगा और आज के लिए